नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश और स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल अभी फॉर यू पर। तो आज हम लोग पेटीएम KYC जो प्रॉब्लम हो रहा है हमें करने के लिए, जो प्रॉब्लम जो हो रहा है आजकल, उसके बारे में बात करेंगे और उसका सोल्यूशन क्या है आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि मेरा हर रोज़ ऐसा जो न्यू वीडियो का अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, सोल्यूशन जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पहले हम किस तरह KYC कंप्लीट करते थे। बेसिकली हम लोग दो तरह से KYC कंप्लीट करते थे। पहला तरीका जो मिनी KYC और दूसरा तरीका फुल KYC। मिनी KYC तो हम लोग घर बैठे बैठे कर सकते थे, लेकिन जो फुल KYC होता था उसका जो पेटीएम ऑपरेटर है और उसका जो हमारा पेटीएम डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास जाना पड़ता था, और हमारा जो बायोमेट्रिक मशीन में हमारा जो फिंगरप्रिंट वगैरह दे के उसका फुल KYC कंप्लीट किया जाता था। और लेकिन जो शॉर्ट KYC था उसको सिर्फ हम आधार कार्ड नहीं तो पैन कार्ड से हम लोग एक्टिवेट कर पाते थे, लेकिन उसका जो वैलिडिटी था सिर्फ एक साल के लिए ही था। लेकिन अभी 2-3 महीने पहले ये पूरा टोटल कंप्लीट KYC प्रोसेस ही पेटीएम ने बंद कर दिया है। उसका जो सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं है, लेकिन मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ उसका एक जो सोल्यूशन। तो पहले आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, एक छोटा सा नंबर दिया है उस पर आप कॉल करके जो इंस्ट्रक्शन मांगा जाएगा उसमें आप प्रोसीड मार के आप KYC कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, आप जब नया पेटीएम अकाउंट खोलेंगे तब आपको दिखाएगा कि वोटर आईडी नहीं तो पैन कार्ड आईडी दे के आपका शॉर्ट KYC कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें कर लीजिए। और दोस्तों, ये जो पेटीएम का जो KYC प्रॉब्लम हो रहा है, इसके बारे में जानने के लिए, पूरा डिटेल्स जानने के लिए मैंने बेसिकली पेटीएम कस्टमर केयर से बात किया था, तो सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, कैसे होगा और कैसे नहीं, इसका फुल डिटेल्स आप सुन लीजिए। You are speaking to Nitish. As I see that you need a support on Paytm Bank. Is it your query related to the transaction or is it your general query? क्या आप हिंदी में बात कर सकते हैं सर? जी, बताएंगे आपकी मैं किस प्रकार से आपकी मैं सहायता कर पाऊंगा, आपके पेटीएम बैंक से रिलेटेड बताइएगा। सर, ये जो KYC काफी लोगों का नहीं हो रहा है और जो सिस्टम बंद हो रखा है, तो ये कब से चालू होगा और क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें? ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं कि कितना समय लगेगा, बट ये है कि जैसे ही हमारा जो ना सिस्टम हमारा बूस्टअप होगा तो ये जानकारी आपको आपके पेटीएम नंबर पे उपलब्ध करवा दी जाएगी, फिर आप कॉल करके अपना पेटीएम बैंक ओपन करा लीजिएगा। बट अभी इसके लिए कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है कितना समय इसके लिए लगेगा, तो सिंपली आपको मैं इतना ही बोलूंगा, आप सिर्फ इसके लिए वेट कर लीजिए इसके लिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आपने तो सुन लिया होगा वो कस्टमर केयर बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट KYC नहीं हो रहा है तो आप वेट करना चाहिए, क्योंकि उनका जो अपग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है पेटीएम का वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।